फ्रेंड्स, सीजन है रोजेज का। ये देखिए, भर भर के आपके गार्डन में भी रोजेज लगे होंगे। मेरे गार्डन में भी बहुत बहुत तरह के रोजेज लगे हुए हैं, बहुत वैरायटी में। ये वाले जो हैं इंग्लिश रोजेज हैं और ये भी गुच्छों में ही फूल दे रहे हैं इस समय। इनकी ब्यूटी इस समय पूरी की पूरी निखर कर आ रही है, ये देखिए। और एक ख़ास वैरायटी होती है रोजेज की, वो है हमारे देसी रोज़। ये देखिए, ये देसी रोज़ जो हैं ये इंग्लिश रोजेज के कंपैरिजन में थोड़े दिन ही खिलते हैं, 3-4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन आपके प्लांट पे रहेंगे और फिर ये बिखर कर गिर जाते हैं। तो क्या आप इनको यूं ही बिखरने देंगे? आप इनको जो है संभालेंगे नहीं। इतनी मेहनत आपने की है तो आप इनको संभालना भी सीखें कि आप इनको किचन में अपने गर्मियों के लिए कैसे इनके शरबत बनाएं और कैसे इनको यूज़ करें। ये देखिए, मधुमक्खियाँ भी अपना काम कर रही हैं इन रोज़ेस के ऊपर, वो भी इनसे शहद बनाती हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ बनाएं। रोज़ेस की 2-3 चीज़ें बनती हैं फ्रेंड्स, उसमें एक है रूह अफ़ज़ा और एक है हमारा गुलकंद और एक है ड्राई पेटल्स ऑफ रोज़ेस, जिसकी कि हम समर्स में चाय बना सकते हैं। जब ये रोज़ेस इस तरीके से खिले हुए होते हैं आपके गार्डन में तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, पूरा फ्रेश रोज़ है ये। लेकिन थोड़े ही दूसरे दिन या तीसरे दिन जो अब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं उसकी गर्मी से ये फूल इस तरीके से हो जाते हैं, इनके साइड्स जो हैं थोड़े से जलने शुरू हो जाते हैं। तो ये टाइम है कि आप इसको तोड़ लें और अपने किचन में इसका भरपूर योगदान दें, इसके ज़रिए आप गर्मियों की चीज़ें बनाएँ। तो अब इनको हम फटाफट से तोड़ लेते हैं। दूसरी जगह भी मैंने कुछ रोज़ेस उगाए हुए हैं, साइड में एक बहुत लंबी लेन बनाई हुई है, तो वहाँ से भी मैं रोज़ेस थोड़े से तोड़ लेती हूँ और ये सारे ही इकट्ठे करके मैं इनका आपको यूज़ बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो है देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के रोज़ेस हैं, रेड वाले और पिंक वाले। पिंक को मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, उनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लेकिन रेड वालों को मैं पूरा यूज़ करती हूँ। इनका गुलकंद कैसे बनाना है ये आप एक वीडियो है मेरे चैनल में, उसको आप ज़रूर से देखें, उसका लिंक आपको ऊपर की साइड मिल जाएगा, आप उसको प्रेस कीजिए, वो लिंक जो है वीडियो का खुल जाएगा, आप उसको ज़रूर से देखें कि गुलकंद कैसे बनाना है। तो चलिए इनको लेके चलते हैं अपने किचन में। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक जो दूसरी प्लेट मैंने थोड़े दिन पहले निकाली है वो भी दिखाती हूँ। अगर आपको ये ड्राई करने हैं तो आप इनको अपने रूम में ही रख लें, जहाँ पे आप ज़्यादा उठते बैठते हैं वहाँ पे रख लें। इसकी स्मेल पूरे कमरे में अच्छे से फैल जाएगी और जो कि आपकी लिविंग को बहुत ही एग्जॉटिक और बहुत ही खुशबूदार बनाएगी। तो ये देखिए, ये हैं रोज़ के पेटल्स आज के, ये तुलसी के हैं, मैं इस तरीके से कलेक्ट करते रहती हूँ। और ये देखिए, ये हैं मेरे 2-3 दिन पुराने रोज़ पेटल्स, इनको मैंने अपने रूम में रखा हुआ है, ये ड्राई भी हो रहे हैं। और अगर आपके घर में धूल मिट्टी हो तो इनको थोड़ा फ्रिज में रख लिया करें सफाई के टाइम पे, अदरवाइज़ आप इनको रूम में छोड़ें, ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और पूरा कमरा हमारा खुशबू से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पेटल्स जो हैं जब बिल्कुल ड्राई हो जाएं तो ये इस टाइप का इसका लुक हो जाता है, ये देखिए। और ये इस टाइप की जो पेटल्स होती हैं, ये देखिए टी है, ये रोज़ फ्लावर टी। तो इस टाइप का जो आप टी है घर में ही बना सकते हैं अपने घर के ही फ्लावर से इस तरीके से, और इनको ग्लास जार में भर के रख लें किसी में जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं, और गर्मियों में इसकी चाय बना कर पीजिए। ये देखिए, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है।
चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।